फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है प्रियंका वेडास किचन में। मेरी इस वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखिए और देखने के बाद इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को भी प्रेस करना है। इससे क्या होती है, मेरी आने वाली जितने भी वीडियोस है सबसे पहले आपके पास ही आएगी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से एक चिकन आइटम बनाना सिखाऊंगी। इसे आप भापा चिकन और स्टीम चिकन भी कह सकते हैं। भापा चिकन बनाने से पहले आप लोगों को मैं चिकन के बारे में कुछ बता दूंगी। चिकन में है फुल ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, फाइबर है, जो आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है चिकन खाना, और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है चिकन। इनफैक्ट हम सभी लोगों को पता है चिकन कितनी हेल्दी होती है सेहत के लिए। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं भापा चिकन और स्टीम चिकन। भापा चिकन बनाने से पहले एक तो है मेरे पास चिकन है। चिकन मैंने यहाँ पे ब्रेस्ट पीस लिया है और एकदम से छोटे छोटे चॉप कर लिया है। उसके बाद एक मेन चीज़ है इमामी हेल्दी एंड टेस्टी मस्टर्ड ऑयल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भापा चिकन बनाने में। भापा चिकन ऐसी डिश है, बहुत ही कम चीज़ें यूज़ होती है और बहुत ही झटपट बन जाती है। जो चीज़ें यूज़ होती है वो हम सभी लोगों के घर में होती है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स से। और मान लीजिए अगर आपके घर में कोई बिना नोटिस के कोई गेस्ट आ रहे हैं, फिर आप उन लोगों को ये बना के खिलाइए, बहुत खुश हो जाएंगे वो लोग। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं भापा चिकन और स्टीम चिकन। भापा चिकन बनाने से पहले मुझे एक पेस्ट बनानी है। इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैंने लिया है 1 बिग साइज ऑनियन लिया है, 2 ग्रीन चिली, थोड़ा सा लहसुन ली है, थोड़ा सा अदरक ली है। इससे मुझे एक पेस्ट बनानी है। ये देखिए मैंने इधर पेस्ट बना के रख ली है, अभी एक एक करके मिक्स करनी है। पहले मैं चिकन लूँगी। पहले ही मैंने बता दिया था आप लोगों को, चिकन मैंने इधर चॉप करके छोटे छोटे पीसेस में मैंने रख दी है। चिकन यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन ली है, ये मैंने अभी डाल दी है। और इसी बर्तन में मुझे स्टीम करना है तो मैं इसी में मिक्स करूँगी। और इसी के साथ 200 ग्राम दही, और इसी के साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 स्पून, और इसी के साथ 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 स्पून जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, यहाँ पर मैं 1/4 स्पून डालूंगी, और 1/4 स्पून शुगर, और इसी के साथ मैंने जो पेस्ट बनाई थी वो मैं डाल दूंगी इसके अंदर। अभी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसे। मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर ली है, अभी मुझे एक तड़का देना है इसके ऊपर से, वो मैं तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसे मैंने गर्म होने के लिए रखा है और फ्लेम को मैंने मीडियम हॉट पे ही रखा है। पहले जैसे आप लोगों को बताया थे तड़का बनानी है, तड़के के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, एक तो है मेरे पास होल गर्म मसाला जिसके अंदर लौंग है, छोटी इलायची है, दालचीनी है और होल ब्लैक पेपर है, और इसी के साथ मैं ऑनियन यूज़ करूँगी।
अभी मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ इमामी हेल्दी एंड टेस्टी मस्टर्ड ऑयल, अराउंड 2 स्पून। ऑयल मेरी गरम हो चुकी है, अभी मैं एक एक करके इसमें डाल दूंगी। दालचीनी, छोटी इलायची तोड़ के डालिए, लौंग 2 लौंग और 7 से 8 ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर, और इसी के साथ 1 स्मॉल साइज ऑनियन मैंने स्लाइस करके रखे थे, ये मैंने डाल दी इसी के अंदर। ये देखिए 5 मिनट तक मैंने कुक कर ली है। अभी इसके अंदर रेड चिली पाउडर मैं डालूंगी 1/2 स्पून। ये बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि मुझे तीखा पसंद है तो मैं ये डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को तीखा नहीं खानी है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। और ये डालने से क्या होती है ना, कलर बहुत अच्छी आती है इसमें ढापा चिकन में। तो ये तो मेरी बन गई है, अभी मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी। अभी ये पूरी चीज़ मैं चिकन के अंदर मिक्स करूँगी। और इसके बाद मैं डालूंगी 1 स्पून धनिया चॉप करके रखे थे और 2 ग्रीन चिली स्लाइस किया हुआ। अभी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसे। ये देखिए अभी बन गई है। अभी मैं इसे कवर करूंगी और कवर करने के बाद ऐसे बड़ी जगह पे पहले इस बॉक्स को मैं रखूंगी और इसके बाद मैं पानी डालूंगी साइड से। इसे पूरा कवर नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है ये बॉक्स के मिडिल तक बीचों बीच रहे पानी। अभी क्या करना है, इसके ऊपर से कवर करनी है और फ्लेम को मीडियम पे ही रखना है, मीडियम हॉट पे रखना है। और कुछ टाइम के बाद देखिए जब अच्छे से बॉयल आ जाएगी इसके अंदर, तब इसके ऊपर से कुछ हेवी चीज़ें डाल दीजिए जिसकी वजह से इसके अंदर की जो स्टीम है वो बाहर निकल ना पाए। ये देखिए 5 मिनट हो चुका है, इसमें अच्छे से उबाल आ गई है। मैं इसके ऊपर से एक हेवी वेट मैंने डाल दी है और फ्लेम को मैंने एकदम लो कर दी है। इस टाइम पे आपको 15 मिनट्स तक इसको बॉयल करनी है और उसके बाद तुरंत नहीं खोलना है और 10 मिनट तक रेस्ट करनी है। उसके बाद इसे खोल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे बनी है। 10 मिनट हो चुका है, ये थोड़ी कूल डाउन हो गई है, अभी मैं इसको खोल के दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए काफ़ी गर्म है अभी। इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐसे और ग्रीन चिली स्लाइस किया हुआ। ये देखिए बन गई है मेरी भापा चिकन और स्टीम चिकन। अभी काफी गर्म है तो फिर मैं टेस्ट भी नहीं कर पाऊंगी। भापा चिकन आप रोटी, राइस, पराठा, नान रोटी, फ्राइड राइस सभी चीज़ों के साथ आप सर्व कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा ही है मैंने कितनी आराम से जल्दी से झटपट बना लिए ये भापा चिकन। आप लोग घर पे बनाइए और बनाने के बाद मुझे बताइए कैसी बनी है ये आपकी भापा चिकन। मेरी इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है।